हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी, मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरहाइड्रोसिस यानी पसीना ज़्यादा आना, इस बीमारी के बारे में और उसका आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट। नॉर्मली ये जो पसीना ज़्यादा आना है, ये आपको सबको पता है कि अगर वज़न ज़्यादा हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो, या कुछ हार्मोनल टाइप की बीमारी हो, या डायबिटीज़ हो, या हाइपरथायरॉइड हो, इस तरह के कंडीशंस में पसीना ज़्यादा आता है। और इसका जो है डे टू डे लाइफ में काफ़ी एम्बेरसिंग इफेक्ट होता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, काम ठीक ढंग से नहीं कर सकते, और ख़ास करके अगर राइटिंग वर्क हो या स्टेशनरी हैंडल करनी हो तो इससे काफ़ी दिक्कत आती है, ये सभी को पता है। तो ये एक सोशली एम्बेरसिंग सिचुएशन है और इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसका जो मॉडर्न सिस्टम में ट्रीटमेंट है, ये लोकल एप्लीकेशन से लेके सर्जरी तक अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन इससे ओवरऑल एक पूरा जो आराम आना चाहिए या पूरा फ़ायदा होना चाहिए होता नहीं है। अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स होते हैं, या टेम्पररी रिलीफ मिलता है, या फिर रिलैप्स होता है, या बार बार सेटिंग्स करने पड़ती हैं, खर्चा ज़्यादा आता है। इस तरह से पूरा एक ट्रीटमेंट, एक सेटिस्फैक्टरी कम्प्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है, ये हाइपरहाइड्रोसिस के लिए या ज़्यादा पसीना आना, इसके लिए सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेदिक जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर ये मानते हैं कि जो मेद धातु है बॉडी में, उसका डिसफंक्शन होता है और मेद धातु में दुष्टि आती है, जिसके वजह से पसीना ज़्यादा आने लगता है। तो उसको उसके हिसाब से मेद धातु की अग्नि और मेद धातु का जो है ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और उसके हिसाब से जो दवाइयाँ जो है आयुर्वेद में उनको दी जा सकती है। लोकल एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो मुँह से जो ओरल दवा दी जाती है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तक क्योंकि वो पूरे बॉडी पे काम करती है। साइड बाय साइड स्ट्रेस को भी ट्रीट करना पड़ता है, या और कुछ नोन कॉजेज उसके हैं तो उसको भी ट्रीट करना पड़ता है। तो इस तरह से ऑन एन एवरेज एक 4 से 6 महीने अगर लगातार ट्रीटमेंट लिया जाए तो काफ़ी हद तक जो ज़्यादा पसीना आता है, हम लोग इसके ट्रीटमेंट में पूरा पसीना बंद करने का ये नहीं करते हैं, क्योंकि पसीना आना ये भी एक स्वाभाविक है और इसका भी कुछ फंक्शन होता है। स्किन में से कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स को निकालना, स्किन को सॉफ्ट रखना, इस तरह से। तो पूरा स्किन से पसीना आना टोटल बंद नहीं करना अपेक्षित है। यही है कि जो एक्स्ट्रा ज़्यादा पसीना जा रहा है या जो पसीने से इंसान को तकलीफ़ हो रही है उसको कंट्रोल करना है, या खास कुछ अवय जगहों से, जैसे आर्मपिट्स है और हथेली है, माथा है, इस जगह से पसीना ज़्यादा आता है और ज़्यादा दिखाई देता है, तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ऑन एन एवरेज 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और पेशेंट्स आकर बताते हैं कि अब वो एक नॉर्मल एक लाइफ जी सकते हैं। दवाई से स्ट्रेस लेवल्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, और दवा अगर धीरे धीरे टेपर की जाए तो रिलैप्स भी होता नहीं है। तो इस तरह से हाइपरहाइड्रोसिस का आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री ढंग से किया जा सकता है और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट हाइपरहाइड्रोसिस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।